महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के चलते मंदिर के सामने क्षेत्रवासियों ने हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में रहवासी और व्यापारी मौजूद थे। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के चलते मंदिर के सामने और आसपास 70 मीटर तक मंदिर का विस्तारीकरण होना है। इसी के चलते कई दुकान और मकान होटल हैं जो 70 मीटर की जद में आ रहे हैं। करीब 180 परिवारों को इस योजना के चलते प्रभावित हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से जब से उन परिवारों को नोटिस मिले हैं, वे सभी परिवार और व्यापारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि यहां न जाने कितने परिवारों के पेट पल रहे हैं। सरकार अगर सभी को हटाती है तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मकान मालिकों को तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन किराएदार दुकानदारों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसी के चलते महाकाल मंदिर के सामने व्यापारी और क्षेत्रवासियों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऋषभ यादव ने इस दौरान बताया कि बजरंग बली से बल प्राप्त हो और हम अधिक शक्ति से इस योजना का विरोध कर सके। इसी तारतम्य में आज क्षेत्र के रहवासी 152 घरों के परिवारों द्वारा असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। महावीर जब नाम सुना तो हम आज भगवान महावीर की शरण में हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान हमारी रक्षा करेंगे और भगवान हमको बल इतना बल देंगे कि हम यहाँ से भोपाल तक, भोपाल से दिल्ली तक, जहाँ तक लड़ी लड़ना लड़ी हमारे मकानों के लिए, सारे हिंदू भाइयों के लिए, वो लड़े हम लड़ेंगे।